सो गाइस T20 वर्ल्ड कप 2021 जो कि UAE में होने वाला है उसका शेड्यूल हमारे सामने आ चुका है। अभी शेड्यूल अभी रिलीज हुआ है, ICC ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे ये कंफर्म किया है। इस वीडियो में मैं आपको शेड्यूल बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है, ये एंड तक देखना। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो लेटेस्ट क्रिकेट अपडेट्स के लिए। आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। तो सबसे पहले तो आप अपने स्क्रीन पे ये देख सकते हो जो राउंड वन होने वाला है उसका फिक्चर्स, जो कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। तो इसके बाद जल्दी से हम चलते हैं सुपर 12 के शेड्यूल पे, यानी कि जो 12 टीम्स के बीच वर्ल्ड कप होने वाला है, जो कि 8 टीम्स ऑलरेडी क्वालिफाइड है और राउंड वन से 4 और टीम्स क्वालिफाई होके जाएगी। तो अगर आप वो शेड्यूल देखो तो पहला मैच हमें 23 अक्टूबर को देखने को मिलेगा बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका। उसी दिन हमें एक और मैच देखने को मिलेगा बिटवीन इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज़, एंड जो नेक्स्ट मैच होगा वो राउंड वन के जो विनर्स होंगे उनके बीच हमें देखने को मिलेगा। देन आप शेड्यूल देख सकते हो। उसके बाद गाइस इंडिया का तो मतलब ग्रुप टू में है, जो कि हमें 24 अक्टूबर को देखने को मिलेगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच। इंडिया के बारे में ही बात करते हैं तो इंडिया का नेक्स्ट मैच हमें 31st को देखने को मिलेगा न्यूजीलैंड से। देन हमारे मैचेस हैं यहाँ पे अफगानिस्तान से मैचेस है, उसके बाद हमें जो राउंड वन के कुछ विनर्स होंगे उनसे मैचेस देखने को मिलेंगे। इसके बाद जल्दी से हम सीधे प्लेऑफ्स के ऊपर आ जाते हैं। तो प्लेऑफ्स का जो सेमीफाइनल वन होगा वो हमें 10 अक्टूबर को देखने को मिलेगा बिटवीन ग्रुप ए की जो नंबर वन टीम होगी और ग्रुप बी की जो नंबर टू टीम होगी उसके बीच। देन होगा यहाँ पर सेमीफाइनल टू, जो कि ग्रुप ए की जो नंबर टू टीम और ग्रुप बी की जो नंबर वन टीम होगी उसके बीच देखने को मिलेगा। एंड देन हमें देखने को मिलेगा हमारा फाइनल मैच, जो कि 14 नवंबर को होने वाला है, जो कि सिंपली सेमीफाइनल वन और सेमीफाइनल टू के विनर्स के बीच हमें देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि कौन सी 4 टीम्स क्वालिफाई होती है, बिकॉज बिल्कुल इजी नहीं होने वाला है कंपटीशन। एंड मेरे हिसाब से T20 फॉर्मेट एक ऐसा फॉर्मेट है जिधर आप किसी भी टीम को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हो, कोई भी टीम किसी को भी हरा सकता है एक दिन पे, मतलब किसी का भी लक अच्छा हो सकता है। बिकॉज 20 ओवर का होता है, उसमें आप इतना ज़्यादा मैच चेंज नहीं कर सकते हो जितना आपके पास टेस्ट मैच में मौका होता है या फिर ODI में मौका होता है। आप देख सकते हो इंडिया, फॉर एग्ज़ाम्पल आप इंडिया के मैचेस देख सकते हो जो इंडिया से वीक टीम्स है उनसे कंपेयर करके ODI में और T20 में आपको देखने को मिलेगा कि ODI में इंडिया बहुत कम हारा है, वहीं पर T20 में ज़्यादा हारा है। बिकॉज T20 में बहुत बार आप अनलकी हो जाते हो एंड आप मैच हार जाते हो। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा देखना। आप मुझे कमेंट्स में लिखकर अपना प्रेडिक्शन ज़रूर बता सकते हो कि आपके हिसाब से कौन सी 4 टीम्स क्वालिफाई होने वाली है, एंड क्या आपको कंटिन्यूअस T20 वर्ल्ड कप के ऊपर वीडियो चाहिए, नीचे कमेंट्स में लिखकर बताओ। अगर आप सब कहोगे तो डेफिनेटली प्लेइंग 11 वगैरह पे आपको बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे। अभी के लिए ये था शेड्यूल, तो अभी के लिए बस इतना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो जो कमेंट्स में लिखकर बताइए कैसे लगे, कुछ लगी लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को बजाइए ताकि मैं जैसे अगली वीडियो बना सकूं नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और आपको कुछ नहीं करना, बस अगली वीडियो के लिए वेट करना है।